हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। आज है 31 अक्टूबर 2019। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल 2022 तक होगा। दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से हुए निर्वाचन पर अपना मोहर लगाया है। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित बन रही फिल्म अगले साल के शुरू में रुपेले पर्दे पर नजर आएगी। इस फिल्म का नाम दिया गया है लालटेन। जी हां, इस भोजपुरी फिल्म में लालू की भूमिका में अभिनेता यश कुमार नजर आएंगे, जो लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित अपना एक्टिंग दिखाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक घर लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर इलाके में बने मात्र 5 फीट चौड़ा जमीन पर 5 मंजिला मकान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कोई इसे मुजफ्फरपुर का एफिल टावर तो कोई इसे अजूबा आदमी द्वारा बनाया गया अजूबा घर बता रहे हैं। खास बात यह है कि 5 मंजिला इस मकान के आधे हिस्से में सीढ़ियां बना हुआ है, जबकि दूसरे हिस्से में घर बना हुआ है। शादी की यादगार के तौर पर बनाए गए इस मकान के फिनिशिंग वर्क के बाद पिछले 2 सालों से व्यावसायिक इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इस मकान के आसपास के लोगों का कहना है कि यह घर काफी लोकप्रिय हो चुका है। नवादा जिला में लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए जिला अधिकारी कौशल कुमार ने बुधवार को अपने अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से छठ घाटों का निरीक्षण किया है। घाटों के निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और रोशनी की भी पूरी व्यवस्था की जाए। किसी ने सही कहा है कि अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, ऐसा ही कुछ हुआ है जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के साथ। दरअसल बिहार में हाल ही में हुई बारिश के कारण उत्पन्न हुई हालतों में पप्पू यादव बाढ़ प्रभावितों के लिए मसीहा बनकर उतरे थे। चाहे पानी में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना हो या फिर खाने के सामान का वितरण करना हो, हर मोर्चे पर पप्पू यादव पटना वासियों के लिए मुश्किल समय में ढाल बनकर उतरे थे। पप्पू यादव के इस योगदान से बिहार वासियों तो खूब सराहना की, बल्कि विदेशों में भी पप्पू यादव स्टार बनकर उभरे। जी हां, एक और विपक्षी नेता महज बयानबाजी में अपना समय बर्बाद कर रही है, वही दूसरी ओर पप्पू यादव जैसे नेता अपनी प्रजा के लिए खड़े थे। पप्पू यादव के इसी जज्बे ने हर ओर उन्हें सम्मान का पात्र बनाया है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राम मनोहर लोहिया घाट पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को सम्मान किया गया है। पप्पू यादव के सम्मान समारोह के दौरान काफी लोग मौके पर उपस्थित रहे। इसके अलावा वाराणसी पहुंचते ही पप्पू यादव का भव्य स्वागत भी हुआ था। पप्पू यादव के इस कदम के लिए उनकी जितना सराहना की जाए उतना ही कम है। सिर्फ राहत सामग्री वितरण ही नहीं, पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावितों के लिए भी मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया था। पूरे भारत में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। तो क्या आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है? जी हां, छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें कर्मकांड नहीं है। इसमें पूजा अर्चना के लिए किसी भी पंडित या शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। छठ व्रत ही सारी कर्मकांड करते हैं। लोकतंत्र में गठबंधन दलों के बीच खींचतान होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादा जिद करे तो कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। ये बात बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कही है। वह बुधवार को एक विधायक की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अररिया पहुंचे थे। जिला मुख्य स्थित डाक बंगला में मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर कैसे हो, इस पर काम किया जा रहा है। 2020 में बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। हर विधानसभा के लिए पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में महागठबंधन मजबूती से एकजुट साथ चुनाव लड़े। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को संख्या बल के आधार पर जगह मिलती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार है। उनके इस बयान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार पुलिस अपनी अजीबोगरीब कारगुजारियों के लिए अक्सर चर्चा में रहती है। इस बार समस्तीपुर पुलिस का एक कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज के जरिए सामने आया है। इसके अनुसार यहां छठ के मौके पर छुट्टी में जाने वाले पुलिस कर्मियों से ऐसा शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं जो लोग इसे आस्था के साथ खिलवाड़ भी मान रहे हैं। दरअसल पुलिस कर्मियों को छठ की कसम खाकर शपथ पत्र दायर करना पड़ रहा है कि अगर झूठ बोल रहे हैं तो परिवार पर विपत्ति आ जाएगी। खाके के इस रवैये से बिहार पुलिस की कार्यशैली और उसकी संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएसबीसी ने मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2019 है। इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है और 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए। कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित परीक्षा
और फिजिक्स एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। देश के चार बड़े महानगरों में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देश की तेल कंपनी इंडियन ऑयल से जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने में अब तक पेट्रोल 1.69 रुपये और डीजल 1.64 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, तो हम आपको इससे जुड़े जानकारी दे रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के एक साल के भीतर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया तो आपको अब फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दोबारा लर्निंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा और 20 अंकों के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को पास करना होगा और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए 30 दिनों का इंतजार करना होगा। छठ महापर्व 2 नवंबर को है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोग खरना के दिन यानी 1 नवंबर को घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों और बसों में सीट नहीं मिल रही है। रांची से बिहार, यूपी से बंगाल जाने वाली ट्रेनों और बसों से सीटें फुल है। 31 अक्टूबर तक बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में 100 से अधिक वेटिंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार के लिए रोजाना 56 बस खुलती है। इसके अलावा भी कई बसें बिहार आती है। बिहार बस सर्विस के एजेंट ने बताया कि दरभंगा के लिए 7, पटना के लिए 10 से 12, गया के लिए 3, सिवान छपरा के लिए 30, आरा बक्सर के लिए 10 से 12 और नवादा के लिए 15 बसें जाती है। इन सभी बसों में 1 नवंबर तक सीटें फुल है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही हो सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव को लेकर तैयार है। अधिकारी ने कहा कि उनकी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और जब भी निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, चुनाव की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। बिहार माध्यमिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा 7 नवंबर को होनी थी, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले आदेश तक टाल दिया है। बिहार बोर्ड के मुताबिक एसटीईटी परीक्षा को आगे कर दिया गया है, जिसकी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा 2019 में अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करने का आदेश दिया है। आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है। 31 अक्टूबर को नहाय खाय से शुरू होकर ये अनुष्ठान 3 नवंबर तक चलेगा। इसी को लेकर जन अधिकार महिला परिषद की पटना जिला अध्यक्ष रेणु जायसवाल के नेतृत्व में आज कुम्हारी विधानसभा क्षेत्र के रामकृष्ण नगर कॉलोनी में छत्रवृत्तियों के बीच पूजा सामग्री की वितरण किया है। तो दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ से। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे केडीबी लाइव पर तो नीचे रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।